हेलो, मैं हूं दिव्यांशी और आप देख रहे हैं मैटिनी शो। मैटिनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है बॉलीवुड किस्से। इसमें हम सुनाते हैं किस्से और कहानियां फिल्मों और फिल्म वालों की। वो हिंदी फिल्म डायरेक्टर जो अपनी सिर्फ एक फिल्म के लिए जाना जाता है। इस आदमी को फिल्म बनाने की कोई खास ट्रेनिंग नहीं थी, पर अपने वक्त के सबसे बड़े लोगों को अपने हाथ में लेके घूमता था ये शख्स। नाम था के आसिफ, पूरा नाम करीमुद्दीन आसिफ। फिल्म बनाई थी मुगले आजम। उत्तर प्रदेश के इटावा में से निकले आसिफ बंबई में अपने नाम का डंका बजाए। जिद्दी आदमी थे। मंटो इनके बारे में लिखते हैं कि कुछ खास किया तो नहीं था, पर खुद पर इतना भरोसा था कि सामने वाला इंसान घबरा जाता था। बड़े गुलाम अली खान से अपने बतरस से लेकर अपनी फिल्म में बड़े बड़े गीतकारों से मुगले आजम के लिए 72 गाने लिखवाने की कहानियां हैं आसिफ की। मगर आज हम आसिफ की शाहकार मुगले आजम की बात करेंगे। ये फिल्म उस वक्त बननी शुरू हुई जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का राज था। शायद ये कारण भी हो सकता है जिसके चलते इसको बनाने में 14 साल का वक्त लगा। ये उस दौर की सबसे महंगी फिल्म थी। इसे बनाने में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा आया, जबकि उस समय फिल्में 5-10 लाख रुपयों में बन जाती थी। भारतीय सिनेमा के इतिहास में ये फिल्म कई मायनों में मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म का आइडिया आसिफ को आर्दिशर ईरानी की फिल्म अनारकली को देखकर आया था। इस फिल्म को देखने के बाद उन्होंने अपने दोस्त शिराज अली हाकिम के साथ एक फिल्म बनाने का फैसला किया। फिल्म में चंद्रबाबू, डीके सप्रू और नरगिस को साइन किया गया। 1946 में फिल्म की शूटिंग बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो में शुरू हुई। अभी शूटिंग शुरू ही हुई थी कि पार्टीशन की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसके कारण फिल्म के प्रोड्यूसर शिराज को हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ा। 1952 में फिल्म को दोबारा नए सिरे से नए प्रोड्यूसर और कास्टिंग के साथ शुरू किया गया। इस फिल्म में अकबर के रोल के लिए आसिफ उस वक्त के मशहूर अभिनेता चंद्रमोहन को लेना चाहते थे, पर चंद्रमोहन आसिफ के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं थे। आसिफ को उनकी आंखें पसंद थी। कह दिया था कि मैं 10 साल इंतजार करूंगा, पर फिल्म तो आपके साथ ही बनाऊंगा। पर कुछ समय बाद एक सड़क हादसे में चंद्रमोहन की आंखें ही चली गईं। फिल्म के संगीत को लेकर आसिफ बहुत ज्यादा गंभीर थे। उन्हें इस फिल्म के लिए बेहद ही उम्दा संगीत की दरकार थी। नोट से भरे ब्रीफकेस को लेकर आसिफ मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद के पास पहुंचे और ब्रीफकेस थमाते हुए कहा कि उन्हें अपनी फिल्म के लिए यादगार संगीत चाहिए। ये बात नौशाद साहब को बिल्कुल नहीं भाई। उन्होंने नोटों से भरा ब्रीफकेस खिड़की से बाहर फेंक दिया और कहा कि म्यूजिक की क्वालिटी पैसे से नहीं आती। बाद में आसिफ ने नौशाद से माफी मांग ली। वो अंदाज भी ऐसा था कि नौशाद हंस के मान गए। नौशाद फिल्म के लिए बड़े गुलाम अली साहब की आवाज चाहते थे, लेकिन गुलाम अली साहब ने कहकर मना कर दिया कि वो फिल्मों के लिए नहीं गाते। लेकिन आसिफ जिद पर अड़ गए कि गाना तो उनकी ही आवाज में रिकॉर्ड होगा। उनको मना करने के लिए गुलाम साहब ने कह दिया कि वो एक गाने के 25,000 रुपए लेंगे। उस दौर में लता मंगेशकर और रफी जैसे गायकों को एक गाने के लिए 300 से 400 रुपए मिलते थे। आसिफ साहब ने उन्हें कहा कि गुलाम साहब, आप बेशकीमती हैं, ये लीजिए 10,000 रुपए एडवांस। अब गुलाम अली साहब के पास कोई बहाना नहीं था। उनका गाना फिल्म में सलीम और अनारकली के बीच हो रहे प्रणय सीन के बैकग्राउंड में बजता है। फिल्म के एक सीन में पृथ्वीराज कपूर को रेत पर नंगे पांव चलना था। उस सीन की शूटिंग राजस्थान में हो रही थी, जहां की रेत तप रही थी। उस सीन को करने में पृथ्वीराज कपूर के पांव पर छाले पड़ गए थे। जब ये बात आसिफ को पता चली तो उन्होंने भी अपने जूते उतार दिए और नंगे पांव गर्म रेत पर कैमरे के पीछे चलने लगे। अब कोई कुछ नहीं कह पाया था। सोहराब मोदी की झांसी की रानी 1953 भारतीय सिनेमा की पहली रंगीन फिल्म थी, पर 1955 आते आते रंगीन फिल्में बनने लगी थी। इसी को देखते हुए आसिफ ने भी मुगले आजम के गाने प्यार किया तो डरना क्या सहित कुछ हिस्सों की शूटिंग टेक्निकलर में की, जो उन्हें काफ़ी पसंद आई। इसके बाद उन्होंने पूरी फिल्म को टेक्निकलर में दोबारा शूट करने का फैसला किया, लेकिन पहली फिल्म की शूटिंग में 10 साल से ज़्यादा निकल चुके थे और बजट भी कई गुना बढ़ गया था। इसी से परेशान होकर फिल्म के निर्माता और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने दोबारा शूटिंग करने की योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। 14 साल में बनी फिल्म आधा कलर और आधा ब्लैक एंड व्हाइट में रिलीज हुई।
इस फिल्म के दौरान इससे जुड़े लोगों की निजी जिंदगी में भी काफी हलचल हो रही थी। एक तरफ दिलीप कुमार और मधुबाला का 9 साल पुराना रिश्ता खत्म हो चुका था। मधुबाला की मां ने दिलीप से शादी ना होने देने के लिए हर संभव कोशिश की थी। दोनों कलाकारों ने पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दूसरे से बात नहीं की। वहीं दूसरी तरफ फिल्म के निर्देशक आसिफ ने दिलीप कुमार की बहन अख्तर बेगम से शादी कर ली। एक बार अख्तर बेगम और आसिफ में झगड़ा हुआ, दिलीप बचाव करने पहुंचे तो आसिफ ने कह दिया कि अपना स्टारडम मेरे घर से बाहर रखो। दिलीप कुमार इतना नाराज हुए कि फिल्म के प्रीमियर तक में नहीं गए थे। उन्होंने फिल्म भी 10 साल बाद देखी थी। इस फिल्म में भारतीय इतिहास में पहली बार सेना के हाथी, घोड़ों और सैनिकों का इस्तेमाल किया गया था। सलीम और अकबर के बीच युद्ध का सीन फिल्माने के लिए जयपुर रेजिमेंट के सैनिकों को भी लिया गया था। इसके लिए आसिफ ने तत्कालीन भारतीय रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन से बकायदा इजाजत ली थी। इस सीन की शूटिंग के दौरान रक्षा मंत्री खुद मौजूद थे। कहा यह भी जाता है कि इस सीन की शूटिंग में बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि हाथी बमों की आवाज़ सुनकर इधर उधर भागने लगते थे और उनको नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता था। इसमें कुछ हाथियों को जो सेना से नहीं थे अंधा कर दिया गया था। फिल्म के एक गाने प्यार किया तो डरना क्या को फिल्माने में 10 लाख रुपए खर्च किए गए। ये उस दौर की वो रकम थी जिसमें एक पूरी फिल्म बनकर तैयार हो जाती थी। 105 गानों को रिजेक्ट करने के बाद नौशाद साहब ने ये गाना चुना था। इस गाने को लता मंगेशकर ने स्टूडियो के बाथरूम में जाकर गाया था, क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उन्हें वो दुनिया गूंज नहीं मिल पा रही थी जो उन्हें उस गाने के लिए चाहिए थी। उस गाने को आज तक उसके बेहतरीन फिल्मांकन के लिए याद किया जाता है। उसी फिल्म के एक और गाने ए मोहब्बत जिंदाबाद के लिए मोहम्मद रफ़ी के साथ 100 गायकों के कोरस से गवाया गया था। इस फिल्म को बड़ा बनाने के लिए हर छोटी चीज़ पर गौर किया गया था। इस फिल्म के एक सीन में दिलीप कुमार को मधुबाला को थप्पड़ मारना था। उस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दिलीप कुमार और मधुबाला का ब्रेकअप हुआ था। वो थप्पड़ बहुत धीरे धीरे मार रहे थे, या यूं कहें कि वो उन्हें मार ही नहीं पा रहे थे। दिलीप कुमार की इस हरकत से आसिफ बेहद खफा हो गए और उन्होंने खुद ही मधुबाला को थप्पड़ मारने का फैसला किया। बहुत जोर से उन्होंने वो थप्पड़ मारा। इस फिल्म की शूटिंग के लिए बड़े भव्य सेट बनवाए गए थे, लेकिन फिल्म के कुछ खास हिस्सों की शूटिंग करने के लिए लाहौर के शीश महल का डुप्लीकेट सेट बनवाया गया, जिसमें शीशे का उपयोग किया गया था। लेकिन सेट पर लाइटिंग करने में दिक्कत होने लगी, क्योंकि शीशे से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी। फिल्म से जुड़े काम के लिए ब्रिटिश डायरेक्टर डेविड लीन को भी बुलाया गया था, जिनका कहना था कि ऐसे सेट पर शूटिंग करना संभव नहीं है। लेकिन आसिफ साहब ने अपने क्रू के साथ मिलकर सभी शीशों पर मोम की एक पतली परत चढ़ा दी, जिससे रिफ्लेक्शन की समस्या दूर हो गई और शूटिंग शुरू हो गई। लेकिन इससे विजुअल्स धुंधले होने लगे। उसके बाद सिनेमेटोग्राफर आरडी माथुर ने शीशों पर झीने कपड़े डालकर शूटिंग शुरू कर दी। शीश महल को 500 ट्रकों की हेडलाइट और 100 रिफ्लेक्टर्स से रोशन किया गया था। फिल्म को बहुत ही बड़े लेवल पर बनाया जा रहा था, इसलिए कई बार मेकर्स को खुद भी बहुत कुर्बानी देनी पड़ रही थी। फिल्म के डायरेक्टर आसिफ खुद सर से पैर तक कर्ज में डूबे हुए थे। फिल्म के एक प्रोड्यूसर मोहम्मद अली जिन्ना के रिश्तेदार थे। उन्होंने जिन्ना का एक घर टाटा के यहाँ गिरवी रख दिया था, लेकिन जब फिल्म रिलीज होकर इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई, उसके बाद उन्होंने वो घर छुड़ाया नहीं, कंपनी को दे दिया। ये घर आज भी मालाबार हिल्स में है। अब ये एक इंश्योरेंस कंपनी के पास है, जो उस वक्त टाटा की ही हुआ करती थी। तो दोस्तों, मैटिनी शो में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।